हल्द्वानी हिंसा के बाद कई जगहों पर आगजनी, पथराव और गाड़ियां जला दी गई हैं। इतना ही नहीं, बलभूलपुरा थाने को भी जला दिया गया, जिसके चलते उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। बाद में टीवी 24 की टीम ने उस इलाके का जायजा लिया और पाया कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी है। बनभूलपुरा के ताज तौराहा, बिजली, मस्जिद समेत कई इलाकों में स्थिति सामान्य हो गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हिंसा करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों पर कोई परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने स्थानीय लोगों को आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की। देखिए सर, हम करते हैं गोला में काम, ठीक है, शीश महल गेट पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। और जिस टाइम पे ये हुआ घटना, हम बिल्कुल नहीं थे, आप यकीन करिए, हमारे गाड़ी वाले भी अभी मौजूद है। जो यहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, जो इधर फोर्स लगी हुई है, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इस वक्त हालात जो है सामान्य है, जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे, और जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं, हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। उस दिन की देखिए सर, हम करते हैं।